फाशाना के जुमरे में आ जाएगा ना। मुर्शद की ये टोपी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। क्यों थोड़ा सा दे दे। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। मुझे ये बताएं कि मर्द को चार शादियों की इजाज़त होती है लेकिन फिर भी वो नहीं करता, क्यों नहीं करता? बस ये तो आपस में रिलेशनशिप है ना, अगर वो आपस में उनका कंप्रोमाइज़ ठीक है तो वो ज़रूरत नहीं है दूसरी शादी की। ठीक है, तो कुछ औरतें भी तो ऐसी होती हैं जो पहली बीवियाँ होती हैं, वो शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती, डरती हैं कि हमारी हुक्मरानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो तो फाशाना के ज़ुमरे में आ जाएगा ना, अगर एक आदमी या शोर है तो वो अच्छा ताल्लुक है उसका उसके साथ, या अच्छा वो उसको उसकी जगह पे मतलब कि मेंटेन करके रखता है, तो फिर को उस तो ज़रूरत नहीं है दूसरी शादी की। अगर वो करता है तो फिर वो मतलब के औरतों की तादाद भी तो मर्दों से ज़्यादा है और इसीलिए तो चार शादियों की इजाज़त दी गई है, तो फिर भी नहीं करते। इजाज़त तो है लेकिन ये शरण शरीयत का हुक्म ये ठीक है, लेकिन ये है कि अगर मतलब कि ज़रूरत है तो फिर है ना, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर तो उसकी ज़रूरत। तो अगर मर्द और शादियां नहीं करेंगे तो जिन औरतों की शादी नहीं हुई हो तो बेचारी बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। लेकिन इसका शरीयत के साथ कोई तल्लक नहीं है ना कि एक शादी उसकी नहीं हो रही है तो फिर मतलब कि ये अगर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है तो फिर तो वो कर सकता है ना, लेकिन अगर जो उसके घर का घरेलू माहौल जो है वो इजाज़त नहीं देता कि मतलब कि उनके रिलेशनशिप की वजह से, तो फिर तो वो नहीं करेगा ना। चले सही हो गया, आपकी ये टोपी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये किसी की अता करदा निशानी है, ये मेरे मुर्शद ने दी है। मुर्शद याद आया? मुर्शद यहाँ पे एक और हमारे साथ पर्सन मौजूद है, क्यों थोड़ा सा दे दे। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। चले इसी के साथ हम और लोगों से बात करते हैं, हम लोग कहीं नहीं जाना, चले जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाना, मतलब पॉज कर देना यहाँ से, फिर शुरू कर लेना।